नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो में वर्ल्ड स्लीप डे यानी कि विश्व निद्रा दिवस के बारे में। दोस्तों शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये 19 मार्च 2021 को वर्ल्ड स्लीप डे था, फ्राइडे के दिन। तो दोस्तों ये पिछले 2008 से कंटिन्यू मनाया जाता है और इसका इस बार का स्लोगन रहा था हैप्पी स्लीप हेल्दी फ्यूचर। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं नींद के बारे में, वर्ल्ड स्लीप डे। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो निद्रा ना आने से यानी कि स्लीपलेसनेस जिसको हम बोलते हैं यानी कि नींद ना आना, और दोस्तों इसका जो बहुत बड़ा मार्केट है, इसकी दवाइयां अरबों खरबों डॉलर का इसका मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, जो आधुनिक जीवन शैली के कारण लोग अनिद्रा से परेशान हैं और इस कारण से इसका मार्केट बढ़ता जाता है। अनेकों बीमारियां हमारी नींद न आने की वजह से पैदा होती हैं। दोस्तों अगर आप अच्छा सोएंगे, गहरी नींद लेंगे, तो आप तनाव, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों असल में क्या होता है, जो नींद होती है यानी कि निद्रा जो होती है, स्लिप जिसको हम बोलते हैं, ये हमें हमारे माइंड, हमारी बॉडी और हमारे सोल को रेस्ट देती है। हमारा दिमाग रेस्ट पाता है, बॉडी भी रेस्ट लेती है, और आप देखिए जब आप सोकर उठते हैं तो कितना अपने आप को तरोताज़ा फील करते हैं। दोस्तों नींद लेना बहुत ज़रूरी है। कम से कम डॉक्टरी अगर हम बताएं कि डॉक्टरों के हिसाब से 8 घंटे रेगुलर नींद लेना अति आवश्यक है, और अगर आप चाहते हैं दिन में भी आप नींद ले सकते हैं, लेकिन रात में नींद ज़रूर लें। और अच्छी नींद के लिए दोस्तों, अगर आपको नींद की समस्या है, नींद ना आने की समस्या है, तो इसके लिए आपको मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ। जैसे कि आप रात में खाना हल्का खाएं, बहुत ज़्यादा मसालेदार ऑयली फूड गरिष्ठ भोजन ना लें, उसका सेवन ना करें। रात में आप नॉनवेज वगैरह ना लें, बहुत ज़्यादा गैस बनाने वाली एसिडिटी पैदा करने वाला भोजन आप ना लें। और दोस्तों रात में सोने से पहले 1 घंटे पहले आप फ़ोन को ज़रूर रख दें, फ़ोन को ऑफ़ रख दें, क्योंकि फ़ोन का जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारी आंखों पे पड़ता है, और आंखों से चीज़ों की देखने का जो हमारा दिमाग में एक तनाव पैदा होता है, जिसकी वजह से अनिद्रा की कंडीशन पैदा होती है। और आप सोने से पहले अपने तलवों की अच्छे से मालिश करें, तलवों को पानी में, ठंडे पानी में कुछ देर के रखें, जिससे कि आप नींद पर्याप्त लें। और अच्छी बातें करें, नकारात्मकता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन इत्यादि आपके दिमाग में ना आए। अच्छा साहित्य पढ़ें, गलत बातें दिमाग में ना लाएं, तो जिससे कि आपको नींद अच्छे से आए। दोस्तों नींद लेना अति आवश्यक है। दोस्तों नींद ज़रूर लें, पर्याप्त नींद लें, खासकर बच्चों को ज़रूर सोने दें। बच्चों को आप 10 घंटे भी सुलाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब बच्चा सोता है तो रात में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। छोटे बच्चे यानी कि 14 साल तक के बच्चों को आप पर्याप्त नींद ज़रूर दें। बच्चों को ज़्यादा टीवी ना दिखाएं रात में। बच्चों को समय से भोजन कराकर, दूध पिलाकर ज़रूर सुलाएं, ताकि बच्चों की लंबाई, उनका शारीरिक विकास प्रॉपर रहे। दोस्तों ये कुछ बातें हैं, बातें आपको छोटी लगेंगी, लेकिन नींद हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से, हमारे मानसिक अवस्था से जुड़ा हुआ है। तो नींद ज़रूर लें, इस बात की नींद की महत्वता को आप समझे ज़रूर। तो दोस्तों आज का वीडियो बस मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको अनिद्रा की परेशानी है, नींद ना आने की परेशानी है, और आप दवाई ले रहे हैं, एलोपैथिक डिप्रेजेंट दवा जिनको हम बोलते हैं, जो दिमाग को सुन्न करती हैं, एल्प्राजोनम, ये सब दवा ले रहे हैं, तो दोस्तों और आपको कम फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो आप होम्योपैथिक दवाइयों का भी सेवन कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको नींद लाने में मदद करेंगे। दोस्तों धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।